हेलो भाइयों, मैं आकाश कुमार। तो स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे सर्विस, फर्स्ट सर्विस के बाद जो एक मिथ बना, जो एक कहते हैं ना कि फर्स्ट सर्विस के बाद एवरेज बढ़ जाता है, तो वही चेक करेंगे। अभी मैं आगरा आया हुआ था बेसिकली, तो मैंने सोचा था मैं वहीं से वीडियो बनाऊँ, बट क्या था नाइट था तो मैंने बोला कि नाइट पर रहने दो। अभी थोड़ा सुबह हो गई है, अभी 7:08 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेता हूँ। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अभी तक मेरी गाड़ी ने एवरेज तो दिया है 15.5 का और इसमें दे रही है। तो अब ये ट्रिप बी को हम रीसेट लगा के देखेंगे। अब ये ज़ीरो, अब यहाँ से हम जाएंगे करीब 30 किलोमीटर, 23 किलोमीटर में देखेंगे कितना एवरेज दे रही है गाड़ी और क्या है, वो सब चीज़ें चेक करते हैं इसकी। ये बात सच है कि झूठे के फर्स्ट सर्विस बात बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। ये सिर्फ अपने ड्राइवर के ड्राइविंग स्किल के ऊपर होता है, क्योंकि सर्विस सेंटर हम गए थे वहाँ पे भी हमें ये चीज़ बताई गई थी कि गाड़ी को अच्छी से ऊपर मत ले जाएं और आरपीएम को 2000 से ऊपर ना लेके जाएं। 80 से 90 गाड़ी रखें तो आपकी गाड़ी एवरेज अच्छा निकालेगी और आप मोडों का यूज़ करें। तो अभी मेरी गाड़ी सिटी मोड में लगी, क्योंकि मैं सिटी में हूँ। अभी सुबह का टाइम है, सड़क खाली हो, तो मैं ईको मोड डाल दूंगा, ईको मोड पर चलती रही गाड़ी और देखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं ये बात कहाँ तक सच है कि ये चीज़ होती है कि एवरेज सही जाएगा, बढ़ता है, देखते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता भी है, पर हम लोग शुरू से ये चीज़ सुनते आए कि फर्स्ट सर्विस के बाद जो फर्स्ट सर्विस आप करवा लेते हो उसके बाद एवरेज बढ़ ही जाता है। अब आगरा में भाई ये गाड़ी चार्ज स्टार्ट हो गई इलेक्ट्रिक बसेस। भाई एक तो बात है भाई, सुबह सुबह गाड़ी चलाने का मज़े ही कुछ है भाई, सड़क एकदम खाली, एकदम मस्त, अपने आराम से गाड़ी चलाते ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ट्रैफिक से तो बढ़िया ही है। और ये है आगरा की कोर्ट, दिख रही होगी, हाँ ये देखो, ये आगरा की कोर्ट है। और जहाँ पे अभी मैं गया खड़ा था, जो वीडियो में बनाया था, वो भगवान टॉकीज है। बेसिकली हम एक रीज़न की वजह से आए थे, क्योंकि भैया दिल्ली जा रहे थे, तो यहाँ से आगरा भगवान टॉकीज से कैब मिलती है सीधे काले खां के लिए, तो उन्हीं उसी में हम उन्हें बैठाने आए थे। सोच रहे थे अगर बाई चांस कैब नहीं मिलती तो डायरेक्ट दिल्ली जाते, निकलते गाड़ी से, तो उसकी वीडियो डालते, पर अब ठीक है चलो बच गए, गाड़ी मिल गई। दिल्ली भी अब बहुत जल्दी जाने वाले हैं, तो उसका भी हम वीडियो डालेंगे और कमेंट में बताना भाइयों। और ये है भाई आगरा की मार्केट, ये शाह मार्केट कहते हैं इसको। यहाँ पे पूरा फ़ोन कलेक्शन है, आप जो भी फ़ोन लेना चाहते हो वो यहाँ पे मिलेगा। ये है वो गली, ये है शाह मार्केट, यहाँ पे आपको हर तरह के फ़ोन, मतलब जो भी आप लोग, पूरा मार्केट फ़ोनों का है यहाँ, तो मैं कुछ नहीं मिलेगा फ़ोन के अलावा, फ़ोन सिर्फ फ़ोन, ओनली फ़ोन के साथ, सोचो कैमरा वैमरा ऐसा कुछ नहीं मिलता, ओनली फ़ोन ही मिलता है यहाँ पे। और यहीं पे ओप्पो का सर्विस सेंटर है। और ये संजय पैलेस गया सीधे, जहाँ से इस गाड़ी का पुराना घर है, यहाँ पे यहीं से हमने गाड़ी खरीदी थी। और यहीं पे आगे चले कॉस्मोस मॉल है, वहीं पे टाटा का शोरूम था, तो वहीं से हमने खरीदी थी ये गाड़ी। तो अभी तो गाड़ी 13 का एवरेज दिखा रही है, 1.2 किलोमीटर रेंज है, ये गाड़ी चली है भाई अभी, देखो इलेक्ट्रिक है भाई, अच्छी लग रही है भाई साहब। पुरानी वाली हटा दी है सारी, मैंने तो देखी भी नहीं पुरानी वाली रोड पर, अब चल भी रही है कि नहीं चल रही भाई, इसमें एक बार सफ़र करना ज़रूर है भाई। और हमारे साथ में मिक्सिंग पॉइंट मई मनीष, जो डीजे वाले हैं भाई, इधर देख ये हैं डीजे वाले भाई, ये मैंने बताया हुआ पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा मिक्सिंग पॉइंट मई, मई के नाम से ना तेरा चैनल यूट्यूब पे, हाँ भाई बंदे के हमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यार। और यहाँ हो गया है रेड सिग्नल और ग्रीन भी हो ही गया, ये हमें हरी पर्वत पे अभी, चलो आगे चल के और बताते हैं भाई। तो अभी हम लोग आगरा भाई पूरा बाहर आ चुके हैं और अभी हम हाईवे पे हैं, ये अपना आगरा से जो मुंबई का हाईवे है, जो NH3, हम उस पे हैं। और अभी जो गाड़ी हमें दिखा रही है 17.6 का एवरेज दिखा रही है गाड़ी,
17.6 का एवरेज दे रही है, और हमने गाड़ी 15 किलोमीटर चल चुके, 15 देख लो आप। और गाड़ी हमने ज़्यादा भगाई नहीं है, नॉर्मली लाए हैं, क्योंकि भाई सुबह सुबह गाड़ी भगाने का मतलब नहीं, आराम से चला बढ़िया लगता है। और देखते हैं भाई, मुझे तो नहीं लगता इससे ऊपर एवरेज देगी गाड़ी, इससे अच्छा एवरेज तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि भाई एवरेज जो बताती है कंपनी क्लेम कर रही वो भी इतना ही कर रही है, इसका इससे ऊपर क्या देगी ये। ये तो भाई मेरी फर्स्ट फर्स्ट सर्विस होने से पहले भी दे रही थी भाई, तुमने शायद वीडियो नहीं देखी होगी, तो इसका जो मैंने एवरेज टेस्ट किया था उसी में इतना एवरेज दे रही थी ये गाड़ी, जो उसमें भी 17 17 का ऐसे कुछ लमसम दे गई थी मुझे, 17 का तो बहुत बार दे चुकी है गाड़ी सर्विस से पहले, तो इतना। और आगे चल के और बताते हैं भाई, तो भाई अभी गाड़ी दे रही है मुझे 19.2 की। देखो, अरे यार ये क्या गाँव है, कौन मार गया ये, तो कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर पहले पूर गाय का एक्सीडेंट था, नाइट में हुआ होगा भाई, उसके पूरी बॉडी पे स्किन ही नहीं बची थी, ओनली सिर्फ उसका अंदर का सब कुछ बाहर निकल गया था यार, ये सब चीज़ देख के बड़ा बुरा लगता है। देखो 19.3 का एवरेज दे रही है गाड़ी, और अभी मैं आपको आगे एक चीज़ दिखाऊंगा, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, एक लोडिंग होती है ठीक है, और एक उससे ज़्यादा लोडिंग होती है, और एक बेवकूफ़ी वाली लोडिंग होती है, वो आपको दिखाऊंगा भाई। पहले यहाँ से पता नहीं कितने आगे चला गया भाई, क्योंकि थोड़ी देर हम ये रुक गए थे बीच में। चलते हैं, देखते हैं उसको पकड़ पाते हैं कि नहीं, आप भी देख के कहोगे भाई क्या है ये। भाई बेसिकली अब समय आ गया वीडियो को एंड करने का, तो मैं आपको बताता हूँ गाड़ी ने कितना एवरेज दिया सेकंड सर्विस, फर्स्ट सर्विस के बाद, सॉरी, तो फर्स्ट सर्विस के बाद गाड़ी ने जो एवरेज दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाइनटीन पॉइंट सेवन को 30.2 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, सही है एवरेज। और मैंने इस गाड़ी को इको मोड पे चलाया था, और गाड़ी मैंने 80 से 90 से ऊपर नहीं ले गया, 80 85 तक मैंने गाड़ी चलाई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छे से वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।